SRM टुडे शहर की आवाज। मंदसौर पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान एक मारुति वैन से 196 किलो एसिडिक एनहाइड्राइड पकड़ा गया है, जिसकी मदद से अफीम को फाड़ कर इसमें हीरोइन बनाई जाती है। इस मामले में पुलिस द्वारा 4 आरोपियों को भी पकड़ा गया है, जिसका खुलासा प्रेस वार्ता में किया गया। पुलिस अधीक्षक तुषार कांत विद्यार्थी के नेतृत्व में मादक पदार्थों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है, जिसमें पुलिस को एक मारुति वैन में ले जाया जा रहा 3 प्लास्टिक के केनों में भरा 196 किलो एसिटिक एनहाइड्राइड जब्त किया गया, जिसके साथ में पुलिस ने 4 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। इस एसिटिक पदार्थ की कीमत 2,50,000 रुपए बताई गई है, जिसके चलते पुलिस द्वारा आरोपियों के कब्जे से कुल 9,58,000 रुपए जब्त किए गए हैं। जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से 2 किलो अफीम को फाड़ने के लिए 2 लीटर एसिटिक एनहाइड्राइड का उपयोग होता है लगभग। बस ठीक है, और उससे कितने स्मेक बनती है? 10 किलो से 1 किलो बन जाती है। सर ये लेकर जा रहे थे, कहाँ पे लेके जा रहे थे? नहीं, अभी तो ये जानकारी थी, मंदसौरी लेके आए थे, वहाँ से कहाँ मतलब मंदसौर में मुझे वो जो लास्ट बंदा था राजस्थान से लेके राजस्थान के पास से ला रहे थे, लेकिन अभी चूंकि विवेचना में है तो वो जगह पूर्णता नहीं बता पाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लीटर में स्लीप नहीं बता रहे, क्योंकि जो तौल होता है उसको तौल को हम लीटर में बता सकते थे, कंटेनर को पूरा तौला गया। चलो चौथा आरोपी भी पकड़ा गया ना? हाँ, चौथा आदमी सर पप्पू। सर मुख्य इसको ही मान रहे हैं पप्पू को? हाँ, पप्पू चूंकि डील करता है ऐसी जानकारी। एनसीटी के एनहाइड्रेट केस में तो इंदौर का सीधे लिंक अप रहा है, और कुछ मेडिकल व्यवसायियों की भूमिका क्या इस मामले में भी कुछ मेडिकल व्यवसायी के सामने आई है? अभी तक तो नहीं आएगी यार। नहीं, ये बहुत से कई सॉल्वेंट में यूज होता है एसिटिक एनहाइड्राइड, और चूंकि भाटपाड़ा सरकार ने अनुमोदन किया हुआ है तो जिनको दिया जाता है तो लाइसेंस शुदा ही होता है। और जहाँ तक मेरी जानकारी है केमिकल दुकान पे मिल सकता है, मेडिकल दुकान पे नहीं। जो हमारे सामने जब सबसे पहले जो पकड़ा उतना चाहिए हमारे पास जो गिरफ्त में आया है पप्पू वहाँ तक पहुँच पाए हैं, और आगे का इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है, अभी ये कंफर्म नहीं हो रहा है कि वो कहाँ लेके जा रहे हैं। सर जो इनके पास से 4 मोबाइल पकड़े हैं उनसे कुछ मिल सकता है उनमें आवाज़? नहीं, वो बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है तो उसको हम लोग अभी आगे इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, उसमें अभी एकदम ये नहीं कह सकते हैं कि पर्टिकुलर फलानी जगह ही लेके जा रहे हैं। केमिकल का उपयोग होना था? यस। 5 दिन का रिमांड है जी बेटा। नहीं, उनने स्वीकार किया होगा, उनने वो तो किसी और को देना चाह रहे थे, और वो इस संबंध में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुंदर सिंह कनिष्क का कहना है कि एसिटिक एनहाइड्राइड ऐसा पदार्थ है जिससे अफीम को फाड़कर स्मेक बनाई जाती है और हीरोइन बनती है। इस पदार्थ को मोहनीमच रोड पर पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान पकड़ा गया है, जो मारुति वैन में ले जाया जा रहा था। पुलिस द्वारा मौके पर से 3 आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली गई थी, जिसके चलते पुलिस द्वारा जांच कर एक और फरार आरोपी को पकड़ा गया है। इस मामले की पुलिस द्वारा तहकीकात की जा रही है। अच्छा, वो सर वहाँ कार्रवाई हुई है संबंधित थाने पर, और शायद सिसोदिया में कथन लिया सर। ठीक है, किस तरह का मामला है और क्या कुछ उपयोग में आता है केमिकल जी? एक एसिटिक एनहाइड्राइड आता है, इसमें अफीम को फाड़कर उसमें स्मेक बनाने का काम करते हैं, जिसमें हीरोइन बनती है, तो उसी तरह का एक केमिकल ये जो एसिटिक एनहाइड्राइड का है हमने जब्त किया है पुलिस ने, ये परसों चेकिंग के दौरान एक मारुति वैन से इसको जब्त किया है, और जिसमें करीब 3 आरोपी हमने पूर्व में पकड़े थे, और उसके बाद 1 आरोपी और हमने राउंड अप किया है, इस तरह से 4 कुल आरोपी हैं और चारों जो है राजस्थान के रहने वाले हैं। सर ये कहाँ से ला रहे थे, कहाँ ले जा रहे थे? ये उदयपुर राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश में आए थे या मंदसौर जिले में, भी हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं आगे कि ये कहाँ
लेकर जाने वाले थे, अभी उनसे पूछताछ चल रही है और अभी हमने उनका पीआर लिया करके इसमें एक बनाया जाता है। अब ये बताइए सर कि ये जो आपको लगता है सर कि इतनी बड़ी मात्रा में केमिकल आ रहा था तो यहाँ पर इसमें बनाने की फैक्ट्री भी होगी? अभी ये सब जांच का विषय है, चूँकि केमिकल आया है ये बात सही है और केमिकल पकड़ा भी गया है, तो अब इसमें इस तरह से इन्वेस्टिगेशन चल रहा है कि ये लोग कहाँ पर इस तरह से डंप करके कोई इस तरह से फैक्ट्री का कोई संचालन तो नहीं कर रहे थे, इस संबंध में पूरी जांच विवेचना हमारी चल रही है। जब्त माल की कीमत लगभग 2.5 लाख आकी गई है और ये चूँकि किसी मेडिकल स्टोर वगैरह पर नहीं मिलती है, कहीं ना कहीं से इसको लाया। संवाददाता विपिन चौहान के साथ SRN टुडे मंदसौर। SRM टुडे, शहर की आवाज़।